हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टॉरस। होप यू आर डूइंग गुड एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये आपके नए मंथ के नए साल के नए मंथ की जनवरी 2022 की रीडिंग है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग होगी जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मेरी फ्री जनरल रीडिंग के लिए मुझे डोनेट करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे मेरे पेपाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। दिस टाइम ये एक डिफरेंट स्प्रेड होगा जो कि फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज और लास्ट 10 डेज पे होगा। और एंड में मैं रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज भी इसमें इंक्लूड करूँगी। सो बी विद मी टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर जनवरी 2022। और मैसेजेस फॉर टॉरस फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी के लिए टॉरस के क्या मैसेजेस हैं? मिडिल 10 डेज ऑफ जनवरी 2022 के लिए टॉरस के क्या मैसेजेस हैं? मिडिल 10 डेज ऑफ जनवरी, लास्ट 10 डेज ऑफ जनवरी, ओके। अंडरनीथ आपके पास है सिक्स ऑफ सोर्स। इन फर्स्ट 10 डेज नाइन ऑफ सोर्स, हायरोफंट, एस ऑफ कप्स। आफ्टर दिस इस हैंगिंग पीरियड के बाद इन मंथ ऑफ जनवरी में अगर आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे थे अपने पार्टनर की तरफ से, तो अब आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ इनिशिएट नज़र आ रहा होगा। और बहुत ज़्यादा अरसे इंतज़ार के बाद अब आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली आगे बढ़ रही है। या फिर आप इंतज़ार में थे कि कब आपके लाइफ में एक अच्छा टाइम आए, तो आपकी अब जनवरी से अच्छा टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। दो के बहुत कुछ वरीज़ हैं आपकी लाइफ में, बट एक कमिटमेंट और न्यू लव ऑफर, नई बिगनिंग आपका जो है वो इंतज़ार कर रही है इन जनवरी में। हो सकता है कि ये वरी जो है वो आपकी इसलिए लिए हों कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में थे, बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड आपका चला, इसीलिए आप थोड़े बहुत वरी लाइक फिक्र में थे कि आपकी अगर आप कमिटमेंट में हैं ऑलरेडी, चाहे मैरिज रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप, अगर आप हैं कमिटमेंट में तो उसमें बेहतरी के लिए आपको कुछ फिक्र थी। लेकिन अब जो है वो चीज़ें मूव फॉरवर्ड करी हैं आफ्टर लॉन्ग वेटिंग टाइम, बहुत ज़्यादा वेट के बाद आपकी चीज़ें मूव फॉरवर्ड करी हैं। एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो रही है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, जो लोग कमिटेड हैं उनकी लाइफ में न्यू इमोशनल बिगनिंग हो सकती है। लाइक आपकी लव लाइफ में कुछ नया हो सकता है अपने पर्सन के साथ। सो मिडिल डेज में आपके पास हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका अच्छा डिसीजन है। अगर कोई ऑफ़र आपके पास आती है, अगर कोई नया पर्सन भी आपको प्रपोज़ कर सकता है इस वक्त में, तो अगर आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बूस्ट हो सकता है। आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिल सकती है और चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतरी के लिए आपकी लाइफ में बदल सकती हैं। बिग चेंज, लाइक बिग सक्सेसफुल चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है इस टाइम पर। सो जो चीज़
अब डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में है, लाइक टाइम आ चुका है आपका जहाँ पे आपकी लाइफ को एक बूस्ट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि अगर आपको आफ्टर दिस डिसीजन, जो भी डिसीजन आप लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा आपने गुजार दिया, अब आपको मूव फॉरवर्ड करना है अपनी लाइफ में, चाहे आप अपने पर्सन के साथ करें चाहे अकेले करें, लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड करना है। और जो भी डिसीजन आपका होगा वो आपको सक्सेस और एक बिग चेंज आपकी लाइफ में दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं मिडिल 10 डेज में, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में या उस चेंज की शुरुआत हो सकती है आपके लाइफ में। आपके थर्ड हाउस में फुल मून है, और आपके 9th हाउस में न्यू मून है। 9th हाउस इज़ कैप्रिकॉन एंड योर थर्ड हाउस इज़ कैंसर। सो 9th हाउस जो है वो आपके लिए हो सकता है आपको रिलीजियस सेरेमनी भी अटेंड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है आपकी यहाँ पर, स्पिरिचुअली आप कहीं जर्नी कर सकते हैं। जैसे रिलीजियस जर्नी होती है, आपको किसी रिलीजियस त्यौहार को मनाने के लिए कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। ट्रैवलिंग है आपकी किसी चीज़ का, हो सकता है ट्रैवल करने के लिए आपने इंतज़ार किया हो बहुत ज़्यादा, और उसके लिए आपको जो है इस टाइम पर सक्सेस मिल रही है। और यहाँ पे अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो ट्रैवल कर रहे हैं आप, और ये ट्रैवल आपकी लाइफ चेंजिंग होगा। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करें तो ये आपकी लाइफ चेंजर हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप। सो एंड ऑफ द मंथ भी एक हैप्पी फीलिंग आपके लिए लेके आ सकता है। फैमिली सिबलिंग्स के साथ आपके आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और आप मैनिफेस्ट करें अपनी गुड लाइफ को, और वो आपको मिल रही है। आप जो लव आप चाह रहे थे अपने पार्टनर से, इन द एंड आपको वो ज़रूर मिलेगा। लाइक हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन हो, आपके आपको सेलिब्रेट करना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, और अच्छी सेलिब्रेटिंग एनर्जी होगी। चाहे अगर आप सेलिब्रेट नहीं भी कर रहे तो भी आप में और आपके पार्टनर में दोनों में अच्छी एनर्जीज होंगी, इमोशनल एनर्जी आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, जिसमें जो कि आपने मैनिफेस्ट की है। लाइक आपके हाथ में एवरीथिंग जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकेंगे इन द एंड ऑफ द मंथ विद योर पर्सन, अपने पर्सन के साथ। अच्छी एनर्जीज हैं, जिस चीज़ का आगाज़ आप मंथ के स्टार्ट में करेंगे वो आपके लिए एंड ऑफ द मंथ में वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कि मैंने कहा कि एक बिग चेंज आपकी लव लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। हो सकता है आप ट्रैवल करें अपने पार्टनर के साथ, कहीं ट्रैवल करें और ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। अगर मैं साइन देखूँ तो यहाँ पे टॉरस हैं आपकी तरह, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। हनी मून पीरियड, सो यस योर कार्ड इज हनी मून पीरियड टॉरस। आपकी लाइफ में एक बिग चेंज, आपने जिस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया वो आपको मिल रहा है। जो जो हैप्पीनेस, उस जो खुशी आपने मैनिफेस्ट की है वो इन द एंड आपको ज़रूर मिलेगी। और ये बिग चेंज है आपकी लाइफ में जो कि आपको मिल रहा है, चाहे ये नया पर्सन है चाहे पुराना पर्सन है। सो इट्स अ हनीमून पीरियड आपके आपके लाइफ में आ रहा है इन मंथ ऑफ जनवरी 2022। टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट ब्लो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।